हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कादरी हर्बल दवाखाना में। दोस्तों, तिब्बे यूनानी के नुस्खा आपकी खिदमत में पेश है। आज हम बात करेंगे हब्बे जवाहर मुअल्लिफ के बारे में। तो दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूम। अब हम बात करने वाले हैं हब्बे जवाहर मुअल्लिफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो नुस्खा है जो कि अब शायद के यूनानी कंपनियां बहुत कम बनाती हैं। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत काम का है, बहुत अच्छा है और बहुत ज़माने से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दवा आसानी के साथ नहीं मिल पाती है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे फ़ायदा बहुत मिलता है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हब्बे जवाहर मुअल्लिफ ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है और इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हब्बे जवाहर मुअल्लिफ ये सिल और दिक के लिए मुफीद है, यानी टीबी की जो बीमारी होती है, फेफड़ों का ज़ख़म होता है, फेफड़ों की कमज़ोरी या ज़ख़म के लिए हब्बे जवाहर मुअल्लिफ बहुत बेहतरीन दवा है और साथ ही साथ ये कमज़ोरी को भी दूर करती है और दिल और दिमाग को ताकत देती है और हरारत को ज़ायल कर देती है और जिनको दस्त आते हैं उनके दस्त भी रोक देती है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं, इसमें मरवारीद है, यानी वो मरवारीद जिसमें सुराख ना किया गया हो, और ज़मर्रद है, याकूत सुर्ख है, जहर मोहरा खुताई, कहरबाए शमई, लाल बदखशानी, यशब सफ़ेद, काफूर खालिस और रेशा बी खंजबार, संदल सफ़ेद, गुले अरमनी और रुब सौस, समा गरबी, कतीरा, नशास्ता, गुले नीलूफर, सुल्तान मुहर्रक, तबाशीर सफ़ेद, पोस्त खशखाश, तुख्म खशखाश, सफ़ेद बाली और गुले गौज़बा और ज़ाफ़रान भी लेनी है। हब्बे जवाहर में ये तमाम तर अज्जा शामिल करके इनको तैयार किया जाता है और ख़ास तौर पर ये सिल और दिक की बीमारी को दूर कर देती हैं, कमज़ोरी को दूर करती हैं, दिल और दिमाग को ताकत देती हैं और हरारत को ज़ायल कर देती हैं, दस्तों को रोक देती हैं। अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, सुबह को इस्तेमाल करना है एक गोली अरके गाँव जबाँ के साथ में या शरबत बनफशा के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, हब्बे जवाहर मुअल्लिफ ये बहुत कम बनने वाला, बहुत कम मिलने वाला नुस्खा है, लेकिन जानकारी के बतौर हमने आपकी खिदमत में पेश किया है ताकि आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा हो सके। तो दोस्तों, आप मिलते हैं अगली नई वीडियो में, एक बेहतरीन सा नुस्खा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।